अरे बेटा जरा जल्दी कर दो, खाने का इंतजार कर रहे हैं वो। अम्मी एक मिनट, बस चावल दम पर है, दो मिनट में खाना लगाती हूँ, जल्दी जाओ। हाँ तो अब आपको क्या करने का इरादा है जी? अब तो उम्र कुछ काम या मशक्कत करने की इजाजत नहीं देती। फिर तो आपका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं असल में सरकारी मुलाजमत से रिटायर हुआ हूँ तो। हाँ फिर तो ठीक है, क्योंकि आप अकेले आदमी हैं और पेंशन आपके लिए काफी होगी जी। और फिर भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमसे जरूर कहिएगा। जी बहुत शुक्रिया, आप इतना ख्याल रखते हैं। अच्छा मैं खाना भी खाती हूँ। नजीर अहमद, सोच रहा हूं सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया। लगता है अपने किए पे पशेमान हो। हाँ और शायद नहीं भी। लगता है ये कहकर तुम खुद को तसल्ली दे रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मेरा रोना तो सिर्फ तकदीर के फैसलों पर है। तुम अपनी गलतियों को तकदीर का नाम दे रहे हो नजीर अहमद। ये बताओ क्या तुम अपनी बीवी बच्चों के बगैर अकेले रह सकते हो? मैं अकेला रह सकता हूँ, जरूरत तो सिर्फ इरादे और हिम्मत की है। तुम झूठ बोल रहे हो नजीर अहमद। तुम जिंदगी की उस मोड़ पे हो जहाँ तुम्हें बीवी बच्चों के सहारे की जरूरत है। तुम मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। मैं तुम्हें चैलेंज ही कर रहा हूँ। ये बताओ तुम यहां क्या मकसद लेके आए थे? कौन है तुम्हारे साथ? जरा सोचो नजीर अहमद, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उनकी। उन्हीं रिश्तों को इतनी जल्दी नहीं भुलाया जा सकता। ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो आपने कोर्ट ही नहीं मिलना जरूरी समझा? आप शाम को ऑफिस में भी मिल सकते थे। खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत तो है, बस ये बताइए कि अब्बा का कुछ पता चला? अभी तक तो कोई पता नहीं चला, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। देखें वकील साहब, आप ज़्यादा मुझे तरखाने की कोशिश ना करें और मेहरबानी करके अब्बा के मुतालिक मुझे बता दें। अरे मैं रोज़ाना आपके पास चक्कर लगा रहा हूँ और आप लाइलमी का इजहार कर देते। हालांकि घर से निकलते वक्त अब्बा आपके ही साथ थे। लेकिन मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि वो रास्ते में उतर गए थे और उन्होंने मुझे इस बात से कतई लाइल में रखा कि वो कहाँ उन्हें उतरना है, कहाँ नहीं जाना। देखिए वकील साहब, इस उम्र में और एक वकील होकर आपका झूठ बोलना मुनासिब नहीं लगता। मेरे तो सब समझ में आ गया कि आप ही ने मेरे अब्बा को वरगलाया है और इधर उधर कर दिया ताकि मेरी दौलत पे हाथ साफ कर सके। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ। लेकिन आपके वालिद की तो तमाम दौलत उन्हीं के नाम ट्रांसफर हो चुकी है, अब उससे मेरा क्या वास्ता? आप झूठ बोल रहे हैं। और हाँ दूसरी बात, मुझे ये कहनी थी कि मुझे फौरी तौर पर 3 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम आपको कहाँ से लाके दे दूँ? देखिए अगर आप इस तरह राजी नहीं होंगे तो मैं आपके खिलाफ FIR कटवा दूंगा। एक तो मेरे बाप को गायब कराने की और दूसरी हमारी दौलत पर नाजायज कब्जा करने की। आप तो कमाल करते हैं। हालांकि मैं आपके वालिद साहब के साथ बड़ा मुखलिस हूँ और मुझे पर इल्जाम लगा रहे हैं। बेहतर तो यही होगा कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे 3 लाख रुपए प्रोवाइड करेंगे और मेरे अब्बा को वापस घर छोड़ेंगे, वरना मैं अपने दोस्तों के साथ आपको उठवा भी दूंगा। फिर आपको पता चलेगा कि किस बंदे से आपका पाला पड़ा है। मेरा ख्याल आप गाड़ी यहीं रोक दें, बस बस मुझे रोड को उतार दें यहाँ पर। किशोर को ऐसा क्या मसला खुदा न खास्ता जो वो सेहतयाब ना हो सके? मैंने गले का कैंसर था, इससे पहले वो कभी बीमार नहीं हुए थे और कैंसर का तो हम सोच भी नहीं सकते थे। जी हाँ, बस मौत तो बहाने तलाश करती।
जी, मेरा एक बेटा भी है जो शादी के बाद बीवी को लेकर अलग हो गया। रुबीना ने बाप की जिंदगी में भाई बनकर इस घर को संभाला और अब भी अपनी दोनों छोटी बहनों की शादी की और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे। रुबीना ने अपने बारे में क्यों नहीं सोचा? कभी कभी उदास होकर मुझसे कहती है कि अपनी जात को दूसरों की बैसाखी बनाने वाले लोग काबिले रहम और बेसहारा होते हैं। हाँ ठीक ही कहती है आपकी बेटी, लेकिन मैं उसे हमेशा कहती हूँ कि दामन फैलाने से राहतें और खुशियाँ मिलती हैं। चलो पहली शादी तल्ख तजर्बा ही सही, लेकिन दूसरी शादी तो उसका मुस्तकबिल संवार सकती है ना। क्या रुबीना की पहले शादी रुबीना तो बहुत अच्छी लड़की है, खुश शक्ल, किरदार और गुफ्तार की बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक बड़े मौजूद पेशे से वाबस्ता है। फिर किसी आदमी को और क्या चाहिए? रुबीना की शादी नहीं हुई थी, निकाह हुआ था, लड़का दुबई में काम करता था। निकाह टूटने की कोई वजह तो होगी? बहुत सारा जहेज और हम सारी जमा पूंजी रुबीना के बाप के इलाज पे खर्च कर चुके थे। तो थोड़ा बहुत कर्ज भी तो आप लोग ले सकते थे। हम पहले इतने मकरूज हो गए थे कि और कर्ज लेने की हिम्मत ही ना हुई। फिर इन हालात में उन्हें शादी की जल्दी थी जब रुबीना के बाप मौत की कश्मकश में मुब्तला था। फिर ऐसे हालात ही न बने कि रुबीना की शादी होती, बल्कि उसने अपनी खुशियां अपनी बहनों की जोड़ी में डाल दी। देखिए अगर मैं इंसाफ से कहूँ तो आपको अपनी बेटी के लिए एक ऐसे सहारे की यकीनन ज़रूरत है जो उसको इस दुनिया के तल्ख तजर्बों से बचा सके। और अभी तो रुबीना की ऐसी उम्र है कि वो अगर चाहे तो दोनों हाथों से खुशियाँ समेट सकती है। मैं उसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो हमेशा यही कहती कि मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मैं ही ना रही तो उसका क्या होगा? यही सोच सोच कर मैं बहुत परेशान होती हूँ। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा।